अच्छा हाँ फिल्म का नाम जाना था काय आए फिल्म का नाम है अरहर कटी छिनारा बन। हेलो 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 घर मालिक कहना है एक बाइक की चाबी खो गई है, अगर कोई बच्चा पाया हो या कोई सज्जन पाया हो तो उसे दे दीजिएगा, उसकी महान कृपा होगी। धन्यवाद। चाबी जो को पाए हो गाड़ी न पे ले जाए। अबे आपन चाबी दे दी, आपन चाबी दे दे का। अरे हमारा चाबी कमजोर हम न दे न दे। फिल्म का नाम अरहर कटी छिनारा बन। अब वहमा के गानों होई हीरो होई है। हीरो का नाम भैया पंपलाल, हीरोइन का नाम छुच्छी देवी। हाँ हाँ सही कहो, आजकल के ठकुआ पंप चले हैं। हाँ भैया वो पले हैं साले छोटुआ पंप पटाला पहुंचो खबरियान ठंडी में जान ऊना न पूरा ढह के ठंड। पता रहा छुच्छी आई ची ठीक गए बहुत जन ही यहाँ यज्ञ डा जा रहे मैं चलो साले का ढह के ठासी टिकिए फाड़ गए दादा कहीं ना बना साला तब बना क्या कर रहा का दागन पहलिया है पहले उसी पर कहना क्या है क्या कहना है? देखो गाना किसने बनाया है अरे जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरती था मान लेडी जान दोनों आ रही है दोनों मिलके तो? और जीता था जिसके लिए मरती था एक ऐसा भी लड़की था जिसे मैं प्यार करती था एक ऐसा लड़की विश्वकर्मा व्यवहार दिए घर मालिक से कर्जा लिए रहे कर्जा दिए आए ये 101 रुपए का व्यवहार पलटको से धन्यवाद जी साहब देखो ऐसा है जी बॉर्डर पे ड्यूटी देते देते जी काफी वक्त गुजर गया है काफी वक्त बीत गया साहब आज अचानक मुझे घर की याद आ रही है क्यों नहीं सर मेरा दिल कहता है क्यों ना चलूं और अपने बच्चों से मुलाकात करूं क्यों नहीं सर मुलाकात करने के बाद फिर बॉर्डर पे आ जाएगा क्यों नहीं साहब और एक तो रास्ते में पड़ रहा है तो आओ आज हम चलते हैं अपने बंगले की तरफ क्यों नहीं सर आइए छोटू और याद 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 तेरी याद आ रही है
यहाँ पर देखो चाहे जेको ड्यूटी पर रहा था चाहे जितना बॉर्डर पर रहा था मेहरारू का नशा चल ही रहा था। अब हुआ बॉर्डर पर चाहो साहब चार ठो आतंकवादी पहली नहीं आवे लेकिन अब भाई जाना है। पत्नी और बीवी का बड़ा भारी प्रेम होता है लेकिन कहना क्या है दादा तुम जवान से होगा हम पर लागत तुम्हारो मन करा था खाना जाओ अब तो 12 बज गए 1 बजे वाला है का करे दियो घर ये बैठो कहना क्या है अरे से और प्यार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आधी रात ढल चुकी है पापा परेशान है घर बाप तो हूँ लेकिन बुढ़ऊ नौजवान है। हे मास्टर मास्टर निजी स्टाफ देखो ब्याह हो बुढ़ऊ मरा चाहर सर गए जा रहे लेकिन पटोहू आज काल का देख ली ना तो मार बटौना पीछे है और बुढ़ौना सार आगे है और खानी खोजे है लेकिन क्या कुछ कहना है घर में पटोहू लेकिन बुढ़ऊ नौजवान है पटोहू के टंग बुढ़ऊ मजा कीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हमारे स्वामी जी बॉर्डर पे गए हुए हैं अभी तक बॉर्डर से वापस नहीं आए। मैं उनके इंतजार में बेचैन रहती हूँ हमारे स्वामी जी कब आने वाले हैं और कब आएंगे। आज जो मैं क्या देखता हूं बहुत खुश नजर आ रही हूं प्रिय और गुलफाम की खुशी के गुलफाम की खुशी के खुशियां मना रही आपके आने के
छोटू, ए छोटू, अरे साहब उतार के रख देना। अबे सारा सामान रहा तो बाहर भाग कहो कि बैग उतार सारा सामान धार कर सारे तो हमका लागा जब तो पैदा भय तो अम्मा खाए हम 2 किलो मुसलमान नहीं लाए चले भाई मारम लात हाँ मुसलमान नहीं लाए फिर वो कहा है भैया कहा है हाँ मौसम्बी और भैया आधा किलो उतर पारा लाए मार तो नहीं खमा से वो काया यार जोन हुआ वो धोटा लिया मा नमक पारा नमक पारा और 4-5 किलो खांची लाए मार तो भाई भीषण मारम लेकिन साहेब खड़े वो का कहती खांची लाए खरऊ काया जोन हुआ थो वो तारा नीक नीक भैया ये चीज और लाए का संध्या सवेरे जो है ना वही वाला लाइन है प्यावर प्याला खाए का भाई का लाइन घर बैठा अच्छा तो रह दे बतावे का हम चाय धरी भाई बाल मार दे हाँ जल्दी लेके आए आप चाय जल्दी लेके आओ 3 महीना हो गए चाय नहीं पिया 3 महीना हो गए चाय नहीं पिया और कम से कम 4 महीनों को मेहरारू भेंट नहीं की अब साहेब से हम हो गया ले हम हो जाए मेहरारू से मिल के आई हाँ साहेब तो मिलेंगे और ना क्यों मिले तो दुल्हा के अम्मा कहाँ पाए तुम साले ना सुधरे तो आप साहिबाइन से मिल लिए हमका हम हो का टाइम दे देते तो चले जाए मेहरारू से मिल आए तुम क्या बात करोगे अरे वो के गोल हाथ मीन दे अब तई के कपड़ा उपड़ा पड़े हो ये छाट दे अब तई हम मेहरारू का पाए साहेब हम अपनी नजर से दूर नहीं करे अगर ओका तेल लगाओ पड़े तो लगाओ पड़े लगाए दे साहेब एक छोटू साहेब अगर बेटे तुम जाना चाहते हो हाँ तो जाओ जाए साहेब जाओ हाँ लेकिन हाँ सिर्फ टाइम मिलेगा तुम्हें 2 घंटे का अब 2 घंटा में साहेब कपड़ों धो दो मेहरारू को टेलो लगा लिया सब काम कर लिया और हाँ हाँ 2 घंटे के अलावा अगर 1 भी मिनट ज्यादा किया जी तो समझ लो क्या होगा दो घंटा मैं ना कहो 3 घंटा ना कहा कहो यहाँ से जल्दी जल्दी जाओ साहेब जगह जगह ढो मेहरारू का थोड़ा सा कपड़ा पड़ा पहले छाँट दो कह जब तई पहुँच दे तेल लगा दिया बड़ा बदतमीज है साहेब हम बदतमीजी का बहुत जन अबे छुतिया हाथ पैर मिलने जाएगा बहुत जन यहाँ मेहरा हुई है सुन मेरी बात मेरा मुन्ना राजू को लेकर के जी बंगले चल चल रहे साहब तुझे आज छुट्टी नहीं मिलेगी आज ना दे है साहब नहीं देख मतलब हम बेकार ये लाइए मुन्ना ला मालकिन हम का दिया जौन बड़ा है वो का करम मेहरारू जहां मन हो जाए दादा अंगौछा वाले दादा हमारे घरे चले जाओ बेटे राजू मैं मजबूर रहता हूँ तेरे बगैर बेचैन रहता हूँ कि मेरा मुन्ना कैसे होगा तेरी याद में दौड़ता चलाया हूँ कभी मेरा मुन्ना अगर सयाना होगा तो मेरे जैसा एक अफसर बनेगा और
और पिए माला, सुनो मेरी बात को, आओ दो चार बातें करते हैं, क्योंकि मैं छुट्टी लेकर नहीं आया हूं, इसलिए मुझे शीघ्र ही बॉर्डर पे जाना होगा। छोटू क्या कहे, पिनवा के मामा जी यानी लड़का के मामा है, माँ फुफा तो बैठा गौछा माले, फुफा हिया कहा करत हो, जाके 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन। ए छोटू मेरी बात को सुन, बेटा राजू को ले जाकर थोड़ा खिला, और मैं दो चार बातें करके बस शीघ्र ही तैयारी बनाता हूँ। तुरंत साहब हम साहेबान, राजू बेटा को ला, हमका ला राजू, चलो बेटा आप तुमका ले चलो। कैसे साहब भूखा उखा जाए, अगर भूखा जाए तो दूध पिला देना। हाँ दूध तो हमें बाढ़ो। अरे बदतमीज तेरे नहीं, होपी में डब्बे का दूध बंगले में। अच्छा निपुल वाला, और साहब जैसा हाक मारी था धोल देना, जैसे पता ला दूध पिया पिया और हाक मारी समय ऊपर तो का करो, बच्चा है धूल देना। अरे तो चलो ठीक है, कौन मिली किराए पर मेहरारू धो, चलो ये आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? और वाह तेरी नजरों में, वाह तेरी नजरों में क्या तीर का निशाना है, वाह तेरी
मोहब्बत के सोलो में, मोहब्बत के सोलो में जलता रहूंगा, मोहब्बत के सोलो में जलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेकर, तेरा नाम ले लेकर, ऐसा लपटिया तो है क्या जान पर लेखपाल खेत ना पर जुटिए बार बार यार तो है वो अच्छा जितने बॉर्डर पर रहे वाले फौजी हो छुटान तो रहता है ये साल छह महीना के कहीं नहीं मिलते मेहरारू इनका हाथ एक तरह शरीर हाथ कहना क्या है दरबारी क्या समाचार है समाचार ठीक है हुजूर राया में सब कुछ हाली है कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुजूर जाओ इसी वक्त महामंत्री संग्राम सिंह को हमारे पास बुला कर लाओ महामंत्री संग्राम सिंह को तुरंत बुला कर लाओ महामंत्री संग्राम सिंह कहिए हुजूर जैसा कि आपको मालूम हो कि कल मेरी बेटी चंदा की जन्मदिन मनाया जा रहा है क्यों नहीं सम्राट इसलिए हमारा राजमहल सजाया जाए और बाग बगीचे साफ सफाई करवाई जाए ठीक है राजन आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा ऐसा ही होना चाहिए मैं राजमहल चल रहा हूं आप इसकी तैयारी करें ठीक है सम्राट हेलो या गए रुकीत मौर्य रितीश मौर्य रितीश मौर्य कौन कौन ऋतिक ऋतिक मौर्य साउंड की वजह से सुना तो समदा भाई घर मालिक जहां कहीं भी हो एक तो कोहिया बैठो नहीं सब गए सोए 51 रुपए का घर मालिक को व्यवहार आ रहा है पार्टी की ओर से धन्यवाद है आपका पैसा वहां आ जा रहा है दरबारी हाँ इधर आओ लंबादार आज आज जो है जन्मदिन है राजकुमारी का हाँ इसीलिए आदेश देना चाहता हूँ हाँ। कि राजकुमारी चंदा का जन्मदिन मनाया जा रहा है हाँ। और सारे राज दरबार हाँ। व चंदन बाग सबकी साफ सफाई करके पूरा राज्य महल सजाया जाए क्यों नहीं क्योंकि उज्जैन नगर निवासियों को यह पता चल जाए कि महाराज की बेटी चंदा का जन्मदिन है जन्मदिन लेकिन साहब एक चीज बताओ लंबादार खाए पिए की व्यवस्था है खाने पीने की हर व्यवस्था रहेगी साहब हम सब पता नहीं खाए हम मुर्गा नहीं खाए तो हम पसाला हजम नहीं कहा नहीं खाते मुर्गा चाहिए मुर्गा तुमका चाहिए मुर्गा का सारे को का चबाब है मुर्गा चाहिए मुर्गा खाओगे बाप न जाने आपा नाम बेटा धारे तेरे नाम साले घर में साले आलू का तरसा था और शाही रात दरबार में मुर्गा खाओगे
हमका चले चले सतवासा की औलाद मुर्गा का नाम नहीं लेना, ये शाही दरबार है, यह हर प्रकार का भोजन मिलेगा लेकिन मांसाहारी भोजन नहीं मिलेगा। चलो लंबा जा आओ चलते हैं। राजकुमारी चंदा का जन्मदिन मनाया जा रहा है, हाँ तो साफ सफाई की जरूरत है। साफ सफाई करो, पूरा राजमहल सजा दो, पूरा राजमहल सजा दे, चंदन मार्ग की भी सफाई करो। पूरी सफाई होना चाहिए क्योंकि वहाँ हर जगह आदमी रहेंगे। हाँ भाई, चंदन बाग में भी आदमी बैठे उठेंगे। पूरा राज सजा कर चंदन बाग भी सफाई कर दो। ठीक, ये तुम्हारा काम है। अरे अब हम अकेले नहीं, अरे अकेले नहीं, सब लोग जितने कर्मचारी हैं। जितने कर्मचारी, कोई महल की सफाई करे, कोई चंदन बाग की सफाई करे। कहाँ? अरे वह तो सारे सगल सफाई हुई, जहाँ हम सोते हैं वहाँ सफाई करोगे? सुनो, गंधार चारत कहे बरे हैं। इतना लड़कन का मारे के नहीं कहा जात, लड़के बड़ी मेहनत किए हैं। तो लड़का, जब लड़का चिल्ला तो बदल दियो ना, वो का बदल के दूसर लावे। दूसर ला छोटू, राजमहल की सफाई। चलो तुम दोनों के बाद चलता हूँ। एक तरफ तुम लागो, एक तरफ हम। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, का ये का न छुयो। अबे चौतरा, ये का साफ करा जाए बे। अबे हम का ये पर बैठ जाए, कुछ न हो। और का है ये चौतरा? कुछ नहीं ना। अब आप लोगों की समझ, ये चंदन बाग है और चंदन बाग के हम लोग सफाई करने के लिए अनुमति मिली है। इसी लाइन पर हम आप लोगों को ये बाजार के माध्यम से आप लोगों को कव्वाली प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐ मोमिनो सुनो, तुम्हें मरना जरूर है। ऐ मोमिनो